हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अपने चैनल जीटेक गुरु में। मेरा नाम है गोपाल कुमार और आज हम बात करेंगे वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड क्या होता है? मोस्टली ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि नोटपैड से अधिक और एमएस वर्ड से कम है। ये मोस्टली ज़्यादातर कंप्यूटर जो होते हैं उसमें इजीली रन होता है। अब बात करेंगे कि इसके मेन्यू के बारे में एंड टाइटल बार के बारे में एंड जो इसके टूल्स वगैरह है इसके बारे में। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसे कहते हैं क्विक एक्सेस बार। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सेव है, रीडो है, अंडो है एंड इसे कहते हैं टाइटल बार। ये जो है टाइटल बार है, ये जहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट वर्डपैड तब तक यहाँ पे रहेगा जब तक कि हमें इसे किसी अदर नेम में सेव नहीं कर देते। अगर हम इसे अदर नेम में सेव करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ भी सेव कर दिया तो यहाँ पे वो नाम आ गया, अदरवाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा था। अगर अदर सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पे अनटाइटल लिखा होता है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट लिखा होता है। नीचे है स्टेटस बार एंड ये है जूम इन एंड जूम आउट के लिए। ठीक है, एंड ये है कंट्रोल बार, यानी कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, और ये है हेल्प। ठीक है, अब बात करेंगे इसको, ये इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, यानी कि वर्क एरिया, एंड ये है रूलर बार। अब बात करेंगे फाइल मेन्यू के बारे में। ठीक है, फाइल मेन्यू को कैसे यूज़ करते हैं? अब ये है न्यू, फाइल मेन्यू के अंदर न्यू। न्यू मोस्टली आपको पता ही होगा कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट है। अगर हम कोई नया, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया न्यू वर्ड पेड। ठीक है, ये न्यू वर्ड पेड है, इसलिए यहाँ पे वर्ड और डॉक्यूमेंट आ रहा है, क्योंकि मैं इसे न्यू लिया हूँ और इसे सेव नहीं किया हूँ। ठीक है, ये वर्ड पेड का न्यू है। एंड ये है ओपन, अगर ये मैं कहीं सेव कर रखा हूँ कोई चीज़ तो ओपन करना चाहता हूँ इसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे ही ओपन कर सकते। जैसे मैंने एक सेव किया था डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा, DF DSF। अब इसमें मैंने ये ब्लैंक है, कुछ नहीं लिखा है अपने पेज में। जैसे ये है, मैं अपने पेज में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बट मैंने सेव किया था। अब मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, ये कुछ मैंने ऐसे ही लिखा था, अब ये ओपन भी हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे सेव। सेव तो करके दिखाया था, अब ये सेव इज़ क्या होता है कि एक ही चीज़ को, जैसे यहाँ पे DF DS है, मान लो कि मैं यहाँ पे गूगल से कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेके आया। अब इसका जो नाम है TS DSF है। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को किसी अदर नेम में सेव करना चाहता हूँ, इसलिए हम सेव एज का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ अदर नेम में मैं GK पे नेम में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, ये GK में हो गया एंड GK में भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये फायदा होता है कि एक ही चीज़ को हम दूसरे नाम में सेव कर सकते हैं, बट हमारा जो डाटा रहेगा वो वही का वही रहेगा। सेव एज हम इतने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं एंड प्रिंट, नॉर्मली जो प्रिंट देते हैं हम वो है प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट है, इसके कुछ ऑप्शन होते हैं। प्रिंटर मेरे पे कनेक्ट है नहीं, इसीलिए ये दिखा रहा है PDF। ठीक है, ये प्रिंट है एंड ये है पेज सेटअप। जैसे ये पेज है, ठीक है, ये पेज अभी लेटर पेज में है। अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो लेटर पेज होगा, हम इसे A4 करेंगे। ठीक है, A4। अब ये पोर्ट्रेट, ये जो साइज है लंबा सा, इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। लैंडस्केप, ये जो ऐसे करके है इसे हम लैंडस्केप कहते हैं। अब ये मार्जिन क्या होता है कि मार्जिन, ये जो लाइन दिख रहे हैं आप, ये डॉट 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 करके पूरा सर्कल टाइप का, इसे कहते हैं मार्जिन। ये लेफ्ट में 1.25 इंचेस है, राइट में 1.25 इंचेस है, टॉप में 1 है एंड बॉटम 1 है, यानी कि ये टॉप है, ये बॉटम है, इसमें 1 1 का मार्जिन दिया हुआ है इंचेस में, एंड इस साइड लेफ्ट और एंड राइट में 1.25 का मार्जिन दिया गया है। ठीक है, अब हम इसे इतने साइज में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे
सेंड इन ईमेल, अगर मैंने कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, हम इसे ईमेल में सेंड करना चाहते हैं, तो इससे हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वर्डपैड के बारे में, ये वर्डपैड है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो मैं विंडो 11 चलाता हूँ। ये वर्डपैड का जो वर्जन है 22H2OS बिल्ड 22621.963 है, ठीक है, ये वर्जन देखा जाता है। एंड यहाँ से हम अगर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा एग्जिट, ठीक है। अब ये जो फाइल मेन्यू तो हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो है होम मेन्यू, होम मेन्यू मेन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर ये है क्लिपबोर्ड सेक्शन, क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर ये है पेस्ट, ये है कॉपी एंड ये है कट। अब ये है कट एंड कॉपी, ये ऑप्शन इनेबल नहीं है, डिसेबल है। अब मुझे इनेबल करना है इसे, तो सिंपली हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉपी भी इनेबल हो गया, कट भी इनेबल हो गया। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया, ठीक है, एंड मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेस्ट है, कॉपी पेस्ट। अब कॉपी में क्या है कि मैंने यहाँ इसको कॉपी किया, बट अगर मैंने पेस्ट किया तो ये दोबारा पेस्ट हो गया, बट कॉपी में ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, ये यहाँ से हटा नहीं, कॉपी हो गया बट हटा नहीं। बट हम अगर कट करेंगे यहाँ से, तो कैंची इसका निशान आ रहा है, यहाँ से कट से कट हो जाएगा, और अगर हम पेस्ट करेंगे तो कहीं और भी हम पूरा ही पेस्ट कर सकते हैं। अब पेस्ट में है दो, पेस्ट स्पेशल भी है, पेस्ट भी है, पेस्ट तो हम नॉर्मल करते आ रहे हैं अभी, एंड पेस्ट स्पेशल के अंदर यहाँ पे पिक्चर टाइप में पेस्ट कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट में पेस्ट कर सकते हैं, अनफॉर्मेट टेक्स्ट में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया पेस्ट स्पेशल। अब ये है फॉन्ट, ये हमारा फॉन्ट सेक्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैलेबरी फॉन्ट का नेम है जो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, हम यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इस हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि ये फॉन्ट है, इसे फॉन्ट कहते हैं। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो किस हिसाब से चेंज करेंगे, पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, अभी इसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस हिसाब से मैं चेंज कर दिया, ये हो गया चेंज। अब यहाँ पे है फॉन्ट का साइज, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट का साइज यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये है बोल्ड, बोल्ड क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये ऑलरेडी बोल्डेड है, ये फॉन्ट बोल्डेड है, मैंने यहाँ पे कैलेबरी ले लिया, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो ये है बोल्ड, ठीक है, यहाँ पे कुछ हाईलाइट टाइप का हो गया, ये है बोल्ड, इसी हिसाब से यहाँ पे इटैलिक है, तिरछा सा हो जाएगा, अंडरलाइन है जो यहाँ पे वर्ड है इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, यहाँ पे स्ट्रिक थ्रो है, स्ट्रिक थ्रो से ये होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और ये गलती से लिख दिया, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिक थ्रो दे दूँगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिलीट है ये, ठीक है। अब ये है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट यानी कि जब फॉर्मूला अगर देखे होंगे आप, फॉर्मूला वगैरह में काम होता है, जैसे यहाँ पे टू है, इसके नीचे मैं ये टू है, ठीक है, इसके नीचे डी के नीचे मैं टू देना चाहता हूँ छोटा सा, ये रहा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या काम करता है, जैसे ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बट ये टू बहुत बड़ा है, तो मैं इसे ऊपर करना चाहता हूँ, इधर ऐसा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इस हिसाब से ये है सुपर स्क्रिप्ट। एंड अगर हम इसकी बात करें, ये ऑटोमेटिक है, इसमें हम वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, एंड ये है इसके नीचे का कलर चेंज कर, जैसे ये यहाँ पे येलो है, ठीक है, नीचे का कलर चेंज कर सकते हैं। अब बात आता है ये चीज़ क्या है, ये फॉन्ट को ग्रो कर सकता है, यहाँ से हम मैन्युअली कर सकते थे, एंड यहाँ से हम ऐसे करके ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करेंगे पैराग्राफ सेक्शन के,
पैराग्राफ सेक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है, एज लाइक मैंने लिखा दिस इज एंड एप्पल, ठीक है, दिस इज एप्पल। अब मैं क्या करूँगा इसको कि इसे कहते हैं हम डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे मैं राइट टाइप राइट लाना चाहता हूँ, ठीक है, इंडेंट है ये, राइट हो रहा है, ये लेफ्ट हो रहा है इससे। अब ये है, यहाँ पे मैं कुछ बुलेट लाना चाहता हूँ, बुलेट आ गया, इस हिसाब से मैं नंबर वाला लेना चाहता हूँ, अल्फाबेटिक, रोमन, ठीक है, इस हिसाब से मैं कुछ भी ले सकता हूँ अपने हिसाब से, ये ले लिया। अब ये क्या है कि जो स्पेस होता है पैराग्राफ का, यानी कि मैंने ये कॉपी किया एंड ये पेस्ट किया, ठीक है। अब इसका स्पेस है बहुत ज़्यादा है, मैं कम करना चाहता हूँ, इसका स्पेस कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, और कम हो गया। तो ये है पैराग्राफ स्पेस एंड ये हमारा अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, ठीक है, ये राइट अलाइन एंड ये सेंटर और ये जस्टिफाई, अपने हिसाब से अरेंज एडजस्टमेंट कर सकता है ये, ठीक है। ये सो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है जिसमें इसमें कर सकते हैं कि इंडेशन लेफ्ट में इतना आना चाहिए, राइट में इतना होना चाहिए, फर्स्ट लाइन इतना होना चाहिए, इस हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट यानी कि कुछ हम ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे पिक्चर, हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर यहाँ पे मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इस हिसाब से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये पिक्चर हमने ऐड कर दिया, तो आप कोई सा भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। एंड ये टाइम एंड डेट, डेट एंड टाइम, जैसे यहाँ मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में चाहिए मेरे को, नॉर्मली इसी फॉर्मेट चाहिए, ये टाइम एंड डेट यहाँ से हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, कोई सा भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे पास सॉफ्टवेयर बहुत सारा है तो इतने सारे ऑप्शन आ रहा है, आपके पास हो सकता है कि कम आए बट ऐड कर सकते हैं। यह फाइंड, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया दिस इज एन एप्पल एंड हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे इज कहाँ पे है, ठीक है, इज दिस के अंदर इज है, इज साइड में भी है, ठीक है, इस हिसाब से हम इज कर सकते हैं। मैच होल वर्ड ओनली, जो वर्ड बिल्कुल मैच कर जाए उसे ये शो करवा देगा, यहाँ पे मैच केस, ठीक है, या रिप्लेस। अब हमें इज है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, मान लो कि मैंने आर से रिप्लेस कर दिया, तो इज है ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे इज आर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, नॉर्मली इसका शॉर्ट किया है कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्ट ऑल से सिलेक्ट ऑल नॉर्मली, ठीक है। एंड आगे है व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू के अंदर है जूम इन, जूम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जूम इन, जूम आउट, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 500 कर दिया, अब मैं मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे मैं कम करूँगा, ठीक है, करके कम करते जाओ, यहाँ पे नॉर्मली हम 100% पे ऐसे करेंगे, आ जाएगा नॉर्मली, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पे रूलर, जैसे इसे हम रूलर कहते हैं, ये हमारा रूलर ऐसे गायब हो गया, हम यहाँ पे है कन्फ्यूज हो रहे कि भाई ये कहाँ से लगे रूलर, हम यहाँ से रूलर ला सकते हैं इजिली, ठीक है, इससे अच्छा रहता है। अब स्टेटस बार है, नीचे स्टेटस बार है ये लाइन, ठीक है, यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हैं, स्टेटस में यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये है वर्ड रैप, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे नो वर्ड रैप कर दिया, अब यहाँ पे कैसा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, तो ये है वर्ड रैप। अब यहाँ पे रैप टू विंडो, अभी वर्ड रैप काम क्या करता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा, ठीक है, अब ये यहाँ पे स्क्रोल भी आ गया, अब यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है ये अंदर घुसे जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि भाई जितना है एक ही साथ शो हो जाए, तो यहाँ पे वर्ड टू विंडो यानी कि विंडो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेगा। अब फिर भी मेरे को मज़ा नहीं आया कि भाई क्या दिक्कत है, रूलर के हिसाब से मुझे एडजस्टमेंट करना है, तो रैप टू रूलर, ठीक है, रूलर के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है मेजरमेंट यूनिट,
जो ये है रूलर, ये हमारा इंचेस के हिसाब से है, हम इसे पिक्सल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेंटीमीटर में या फिर पॉइंट में या फिर पिकास में, वैसे ज़्यादातर इंचेस में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, पर जितना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, ताकि मैं आगे से इसके लिए प्रिपेयर रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।